हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नवीन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। ये फ़ैन आया है जो कि चल नहीं रहा है। अब आपको पहले दिखाते हैं। तो हम इसको पहले चेक करते हैं, देखते हैं फ़ैन चलेगा कि नहीं चलेगा। ये लाइट मैंने लगाया, नहीं चल रहा है फैन। इसको को हम स्काइप बोलते हैं, पहले देखते हैं क्या है अंदर। तो ये है, ये ब्लू तार आया है जो कि कैपेसिटर में गया है। उसके बाद ये ब्लैक वायर है जो कि ब्लैक वायर कैपेसिटर, ब्लू वायर कैपेसिटर, रेड वायर में सप्लाई, हाँ रेड वायर में सप्लाई हुआ है। फिर उसके बाद ये जो ब्लैक वायर है इसमें सप्लाई है, रेड वायर ब्लैक वायर में सप्लाई है, और ब्लैक वायर में कैपेसिटर है और ब्लू वायर में कैपेसिटर है। तो पहले हम वायर को चेक कर लेते हैं, वायर सही है कि नहीं। ये जो वायर है ब्लैक वाला, सप्लाई का वायर चेक करते हैं पहले। तो मीटर की सहायता से वायर को चेक करते हैं, देखते हैं वायर सही है कि नहीं सही है। तो हम वायर को चेक कर लेते हैं पहले। तो मैं एक वायर चेक किया जो कि ये रेड वायर है, तो ये सही है एक वायर। अब दूसरा वायर चेक करते हैं, वायर सही बता रहा है, तो यानी कि इसमें फॉल्ट है। तो इसको देखते हैं, ये वायर ये बता रहा है, सही पॉइंट बता रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने इसे कट करके निकाल दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे सीरीज से कि कॉइल तो ब्रेक नहीं है। पहले हम कॉइल चेक करेंगे कि कॉइल सही है कि नहीं सही है। इसका एक वायर टूट के निकल चुका है यहाँ से, तो इसको हम पूरा खोलेंगे। ये भी बता नहीं रहा है टेस्टिंग लैब से, इसमें भी नहीं बता रहा है, हो सकता है यहाँ से फॉल्ट हो। इसको पहले हम खोलेंगे, खोल के हम यहाँ से चेक करते हैं कि ये लीड यहाँ से कनेक्ट किया जाता है वो तो फॉल्ट नहीं है। फिर उसके बाद चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि कहीं कॉइल तो वीक नहीं हो चुकी है। पहले हम यहाँ से खोल के ये चेक करते हैं। तो हम इस कवर को पहले खोल लेते हैं, खोलने के बाद हम तो चेक करते हैं। पहले इसको हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे, निकालने के बाद ही चेक करेंगे। हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें इसे खोल लेंगे। इसको अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे। तो मैंने इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से हैमर से ठोंक के निकाल लिया है। पहले हम इस धागे को काट के निकाल देंगे, फिर एक एक कॉइल चेक करेंगे, एक एक सिरा देखेंगे, टेस्टिंग लैंप से चेक करेंगे। तो अब देखिए, मैंने धागे को खोल दिया है, ये लीड हो गया, ये हो गया, एक लीड टूट चुका है, तो ये हो गया। एक के पूर्ण हो गया, फिर इसको हम साफ कर लेंगे, इसको कर लेंगे। एक के पूर्ण, अब इसको पूर्ण को भी निकाल लेंगे अच्छी तरह से। तो इसको अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया। इसका एक पोल यहीं से टूटा है, उसको खोजना पड़ेगा, उसको पहले हम खोज लेते हैं। आते हैं, इसका एक पोल यहाँ से जो शार्ट किया जाता है वो टूट चुका है, जो कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, एक पोल या बचे है। तो आप देखिए, इसका एक पोल, इसका एक पोल, तो इसका एक पोल और रनिंग का एक स्टार्टिंग का स्टार्ट, एक पोल या बचा है जो कि यहीं से टूट गया है। तो इसको हम पहले फैन को खोल के पूरा निकाल लेंगे। तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से जोड़ेंगे, बिना निकाले ये जुड़ नहीं सकता।
तो इसको हम पहले पूरा खोल लेते हैं। तो मैंने इसे खोल लिया है, तो अब इसमें हम इस वायर को चेक करेंगे। ये वायर है, ये देखिए टूटा हुआ है, और इसको हम पीछे से निकालेंगे वायर को। पहले इसको खोज के निकालते हैं। मैंने धागा खोल के वायर इसमें ढूंढ के निकाल लिया है, टूटा हुआ वायर। अब इसको अच्छी तरह से धागे से सिल देंगे, फिर इधर साइड भी अच्छी तरह सिल देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो मैंने इस साइड में सिल दिया है, अब उस साइड भी सिल लेते हैं अच्छी तरह से। अभी जो टूटा हुआ था इसको हम इसमें कनेक्ट करके यहाँ लीड निकाल लिए हैं एक, तो इसको हम अच्छी तरह से इंसुलेशन इसका हटा के बढ़िया से जॉइंट मारते हैं, फिर बाद में कनेक्शन करेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से सिल दिया है, सारे के सारे लीड निकाल दिए हैं। तो अब इसका कनेक्शन अभी करेंगे हम। अब इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। ये पोल शॉर्ट कर दिया जाएगा, इसमें एक वायर, इसमें एक वायर, एक इसमें, ये हो जाएगा वायर लगा के। हम आपको दिखाते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स इसमें लीड निकाल दिए, एक दो तीन, तो साइड लीड्स निकाल दिए हैं। इसको बढ़िया से जोड़ के धागा मार दिया है। अब इसको हम फिटिंग करते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से इसमें फिट कर देता हूँ, तब उसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। तो मैंने इसमें इसको फिट कर दिया है। अब इसको चक्कर लेते हैं मोटर लगा के। तो मैंने इसे टेस्टिंग लैंप के द्वारा चेक कर लिया है, जो कि बाइंडिंग एकदम सही बता रहा है। अब इसको फिट करते हैं। इसका पहले बैक कवर लगा देते हैं अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें स्लिप लगा दिया, आप देख सकते हैं। मैंने इतना बड़ा स्लिप इसलिए लगाया है कि ये हीटिंग होने पे वायर जले ना। तो आप भी इतना बड़ा लगा दिया करिए, जिससे वायर लीड ख़राब ना हो जल्दी। वैसे तो ख़राब होता ही है, पर जल्दी ख़राब ना हो। मैं तो यहाँ से शॉर्ट कर जाता है कभी कभी हीटिंग ज़्यादा होने पे। तो फ्रेंड्स, हम इसको पहले टेस्टिंग लैंप के द्वारा चेक करते हैं। मैंने लैंप वहाँ लगा रखा है, ये दो लीड है, एक लीड इसमें है। यहाँ टच करेंगे, देखिए लाइट जल रही है। फिर अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं। पहले इस वायर में ये हो गया रेड वायर, एक दो कलर कैपेसिटर लगा इसमें, एक ये चल रहा है इसमें, दोनों चल रही, ये उल्टा चल रहा है, ये सीधा चल रहा है। तो कनेक्शन पूरा है। पहले इसको हम टाइट करके सब बढ़िया फिटिंग कर लेते हैं। तो मैंने अच्छे से इसका वायरिंग कर दिया और ये अच्छी तरह से चल रहा है। इसका आप अच्छे से कनेक्शन देखिए। अब इसको हम पैक करते हैं। तो मैंने इसका कवर सेट कर दिया, अंदर जाली लगा दी है, फैन लगा दिया ब्लेड्स। अब इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। इधर वायर लगा दिया है, यहाँ से आपको ये लाइट जल रही है इसमें। मैं वर्क करने लगा।
तो फाइन ओके हो गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम होती है फर्राटे से कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।